सो हेलो एवरीवन। तो कैसे हो सारे स्टूडेंट्स? आप सभी जितने भी यूपी वाले बच्चे हैं या यूपी से बाहर वाले बच्चे भी हैं, वो अगर यूपी टीयू के काउंसलिंग के थ्रू जाना चाहते हैं किसी भी कॉलेजेस के अंदर, तो हमारे टॉप के अंदर 3 कॉलेजेस मिलते हैं, जिसमें कि पहला जो है आईआईटी लखनऊ, उसको तो हमने ऑलरेडी पूरा रिव्यू कर दिया, पूरा कवर कर दिया है। एंड सेकेंड नंबर पर आता है केएनआईटी सुल्तानपुर। तो इस वीडियो में उसका पूरा रिव्यू होने वाला है, उसकी प्लेसमेंट्स को लेकर के, उसकी हॉस्टल फैसिलिटीज, उसके फी स्ट्रक्चर, उसका कट ऑफ, ठीक है कि कट ऑफ क्या रहेगा इस साल, तो वो सारी की सारी चीजें इस वीडियो में आपको दिखने वाली है। इसलिए यार ज्यादा ना बात करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि यार अगर आपको चाहिए कि हाँ मेरे को सारी नॉलेज हो जाए कि इस कॉलेज में जाना वर्थ इट रहेगा नहीं रहेगा, तो इस वीडियो को पूरा देख लेना, ठीक है। अब मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक चीज कहूंगा, यार चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यार यूपी टीयू की पूरी काउंसलिंग हम लोग करवाने वाले हैं, इसलिए जाकर जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सबसे पहली चीज यार आते हैं केएनआईटी सुल्तानपुर के ऊपर कि ये कॉलेज कितना पुराना है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज बता देना चाहूं, ये कॉलेज अभी का नहीं है, बहुत पहले का है। 1976 में ये एस्टैब्लिश हुआ था। कब हुआ था? 1976। तो अप्रोक्सीमेटली कहूं तो 40 से 45 साल हो चुके हैं इस कॉलेज को, तो लगभग 45 इयर्स से ऊपर हो चुका है। तो ये कॉलेज बहुत ही पुराना कॉलेज है। अब इसके बाद इसके यार कैंपस एरिया की बात करें, क्योंकि किसी भी कॉलेज में जा रहे हैं तो यार उसका एरिया जो है बहुत मैटर करता है, क्योंकि अगर एरिया ज़्यादा ही छोटा रहेगा फिर यार उस पर कंजेस्टेड चीज़ें हो जाती हैं और बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है। लेकिन इस कॉलेज में आपको एक ये बहुत अच्छा फ़ायदा मिलेगा, डैट इज़ यार कि यहाँ पे 700 एकर्स का है। ये आपको पता है यूपी के अंदर है, तो ऑब्वियसली यार उनके पास थोड़ा सा ज़्यादा एरिया रहता है, तो इसलिए बहुत बड़ा कैंपस, बहुत ही बड़ा। आप घूमते घूमते थक जाओगे, लेकिन इसका कैंपस ख़त्म नहीं हो रहा होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा कैंपस है। इतना तो यार बहुत सारे आईआईटीज़ का भी नहीं है, ठीक है। तो आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई, पहली चीज क्लियर हो गई। दूसरी चीज चलते हैं एडमिशन प्रोसेस की तरफ, ठीक है। एडमिशन प्रोसेस, इस कॉलेज में अगर हमें एडमिशन लेना है तो फिर किस तरीके से एडमिशन होता है इस कॉलेज में? तो सबसे पहली चीज़ तो यार आप पूरे ऑल ओवर इंडिया में कहीं पे भी हो, और अगर आपने जेई मेन्स का एग्जामिनेशन दिया है, किसका? JEE जेई मेन्स का एग्जामिनेशन अगर आप बच्चों ने दिया है, तो जाकर के आप लोग इसमें एडमिशन इजीली ले पाओगे। ये लोग कैसे, ये इंपॉर्टेंट मैटर करता है। देखो यार जेई मेन्स की आपकी जो भी रैंक है, ठीक है, उस रैंक पे जाकर के आपको क्या होगा, यहाँ पे आओगे तो एक यूपी टीयू की काउंसलिंग होती है। क्या होती है? यूपी टीयू की काउंसलिंग। इस काउंसलिंग के थ्रू आप लोगों के एडमिशन्स होंगे, तो यूपी टीयू काउंसलिंग के ऊपर रजिस्ट्रेशन आपको करना पड़ेगा, एंड रजिस्ट्रेशन करने के बाद राउंड 1, राउंड 2, 3, 4 इस तरीके से चीज़ें चलेंगी और आप लोगों का उसमें हो जाएगा, ठीक है। और अगर आपको है कि यार यूपी टीयू की पूरी काउंसलिंग जो है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे को पता नहीं होता, इसमें बहुत ज़्यादा चॉइसेस है, और उस टाइम पे यार दिक्कत होती है कि हमें क्या क्या चीज़ें फिल आउट करनी है, सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है। तो अगर आपको ऐसा है कि मतलब हमें ये प्रॉब्लम्स नहीं झेलनी है, हमें डायरेक्ट आपसे कॉन्टैक्ट करना है, तो हमने आप लोगों के लिए यार पर्सनलाइज चॉइस फिलिंग करेंगे, ठीक है। आप लोगों के लिए काउंसलिंग सपोर्ट निकाल दिया है, जिस काउंसलिंग के सपोर्ट के अंदर आपकी पर्सनलाइज चॉइस फिलिंग होगी, कुछ भी डाउट्स होंगे तो वो आपके सॉल्व किए जाएंगे, और आपकी जो रैंक है उस रैंक पे यार बेस्ट कॉलेज मिलने वाला है। तो अगर आपको ये सारी चीज चाहिए, आपकी रैंक में बेस्ट कॉलेज चाहिए, तो यार लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रखा, अभी इसका प्राइस 999 है। बाद में जैसे ही यार आगे बढ़ेगा हमारा, ठीक है, अभी तो वैसे ज्यादा कुछ हुआ नहीं यूपीटीयू का, आगे बढ़ेगा जब आप लास्ट में वीडियो देख रहे होगे तो भाई इसके प्राइसेस बहुत बढ़ चुके होंगे। अगर अभी देख रहे हो तो ज्वाइन कर लो, और आपको सारी चीजें तो दिख गई होंगी, ठीक है। तो एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट हो गया, अब इसके ऊपर मैं इसकी फीस की बात कर लेता हूं कि इस कॉलेज की फीस कितनी रहने वाली है। तो आपको कहीं पे भी डेटा दिखने को मिलेगा तो दिखेगा क्या कि 55,000 इसका पर ईयर का, बट ये पूरा सच नहीं है। 55,000 तो आपका ये हो गया कि हाँ चलो ये ट्यूशन फीस है, अदर फीस भी होती है, लगभग 17,000 to 18,000 के अप्रोक्स अदर फीसेस है, और फर्स्ट ईयर में आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा लिया जाएगा सिक्योरिटी फीस भी। तो कुल मिला के अगर मैं बात करूं तो लगभग 78,000 आपका पड़ जाने वाला है फॉर द आईटी ब्रांच। और दूसरे ब्रांचेस के लिए अगर मैं बात करूं तो दूसरे ब्रांचेस के लिए आप लोगों को 63,000 पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेटली बहुत ही बढ़िया कॉलेज है अगर मैं फीस के मामले में बात करूं। कहां आजकल के टाइम पे लगभग 1 से 1.5 लाख तो नॉर्मल हो चुका है जितने भी प्राइवेट कॉलेजेस हैं, या मैं बहुत ज़्यादा मतलब बहुत हर जगह ही 1.5 से 2 लाख रुपए लग रहे हैं हमें कॉलेज के अंदर, और यहाँ पे इतने कम फीस में आप लोगों के यार पूरा कॉलेज हो जाने वाला है, तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। लगभग कितने रुपए लगेंगे यार आप लोगों के? 24, यानी लगभग 2.5-3 लाख रुपए में आपका पूरा कॉलेज। बहुत अच्छी बात हो जाती है कि इस कॉलेज में इतनी सारी फैसिलिटीज हमें मिलने वाली है, ठीक है। अभी हम धीरे धीरे इसके हॉस्टल, इसकी प्लेसमेंट्स पे भी आएंगे,
ठीक है। अब लेकिन इसके बाद हम आ जाते हैं कट ऑफ की तरफ, क्योंकि कट ऑफ आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, देन हम हॉस्टल्स की बात करेंगे। ठीक है, कट ऑफ की बात करूं तो यार देखो यहां मैंने सारी चीजें लिख रखी है, ऑल इंडिया रैंक। ठीक है, आपको जेई के अंदर जो ऑल इंडिया रैंक अभी तक तो आई नहीं है, और जल्दी हमारी ऑफिशियल रैंक भी आ जाएगी, तो उसकी टेंशन मत लो। ओके, तो ऑल इंडिया रैंक ये सारी की सारी है, ठीक है, और ये जनरल की कट ऑफ है। ठीक है ना, ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि ये जनरल की कट ऑफ है, कैटेगरी वाइज मैंने बात नहीं करी है फिलहाल। तो जनरल की कट ऑफ अगर मैं बात करूं, देखो यार हमारे पास यहाँ 6 ब्रांचेस मिलती हैं, ठीक है, यानी कि कोर्सेज जो हमें ऑफर्ड होते हैं वो देखो यार हमारे बीटेक के लिए हमारे ये ब्रांचेस हैं, सीएसई कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, आईटी है एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, ठीक है, इलेक्ट्रिकल है, मैकेनिकल है एंड सिविल है। तो ये 6 ब्रांचेस हमें देखने को मिलती है, उसी में ऐसे ही में लेटरल वाले एंट्री वाले बच्चे के लिए भी ये सारी ब्रांचेस हैं। तो अगर हम डिस्कस करें तो यार इसमें देखो मैंने 2 रैंक्स लिख रखी हैं, 2 रैंक्स। अब ये 2 रैंक्स किस किस चीज के लिए है, ठीक है, तो पहले क्या है यार ये ऑल इंडिया कोटा के लिए है, ठीक है ना, जो बच्चे बाहर होंगे दूसरे स्टेट वाले होंगे, ठीक है, तो वो इसके थ्रू आएंगे एडमिशन्स, और जो होम स्टेट वाले बच्चे हैं उनके लिए ये रैंक है। ठीक है, होम स्टेट वाले बच्चों के लिए ये है। हाँ, होम स्टेट कैसे डिसाइड होगा कि अगर आप यूपी के रहने वाले हो, ठीक है, तो आप लोगों का होम स्टेट माना जाएगा, या क्लास 12th आपने यूपी से किया है तो आपको माना जाएगा, डोमिसाइल आपका यूपी का है तो कंसिडरेबल है। सीएससी की बात करूं तो यार 40,428 रैंक तक जाता है यार हमारा फॉर द अदर स्टेट्स, एंड जो होम स्टेट वाले बच्चे उनका 46,379 तक। आईटी की सेम बात करें तो 49,000 के अप्रॉक्सीमेटली है, 53,000 है हमारा होम स्टेट का। इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करूं तो यार 60,000 है, एंड होम स्टेट वाले बच्चों का 66,000। ज्यादा बड़ा डिफरेंस भी नहीं है इन बच्चों, ठीक है, इसमें हमारा कुछ ज्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं है रैंक के अंदर। 71,000 हमारा यार इलेक्ट्रिकल के लिए होता है यहाँ पे ऑल इंडिया वाले बच्चों के लिए, और 75,000 है होम स्टेट वाले बच्चों के लिए। मैकेनिकल क्या है 81,000 के अप्रॉक्सीमेटली है, और मैकेनिकल की होम स्टेट 85,000 तक जाती है। अगर सिविल की बात करूं दैट इज लास्ट 75,000 फॉर द अदर स्टेट्स, एंड 90,000 यानी कि सोचो कि 90,000 तक हमारा जाता है, इससे ज्यादा नहीं जाता। अगर मैंने लगभग राउंड 3 की कट ऑफ लिख रखी हैं, इंटरनल स्लाइडिंग राउंड जो होता है उसमें बहुत ड्रास्टिक चेंजेस भी आते हैं, लेकिन उसके लिए क्या है कि आपको इस रैंक के अंदर आना पड़ेगा, क्योंकि इस रैंक के अंदर होगे तभी कोई ना कोई सीट अलॉट हुई रहेगी राउंड 3 में, एंड इसके ऊपर की ब्रांचेस आपको इंटरनल स्लाइडिंग राउंड में मिल जाएगा। तो इंटरनल स्लाइडिंग राउंड की बात अभी हम नहीं कर सकते, क्योंकि बिकॉज वो बहुत ज्यादा चेंजेस होते हैं और अंदर की बात है। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे कट ऑफ्स क्लियर हो गए, कट ऑफ्स की बातें सारी चीजें क्लियर हो गई। अब आ जाते हैं हॉस्टल्स के ऊपर कि इस कॉलेज में क्या हॉस्टल्स है कि नहीं। तो ऑब्वियस सी बात है यार सारे बच्चे यहाँ बाहर से आने वाले हैं, तो यहाँ पे हॉस्टल्स प्रोवाइड हैं। लगभग 10 बॉयज हॉस्टल्स हैं और 3 गर्ल्स के हॉस्टल हैं। यहाँ पे आपको यार वाईफाई की फैसिलिटीज, ये सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड हो जाएंगी, तो हॉस्टल के मामले में अच्छा कॉलेज है। ऐसा नहीं है कि यार मतलब आप लोगों को कुछ भी दिया नहीं जा रहा है, सारी चीजें मेस के फूड भी ठीक ठाक है, मैं नहीं कह रहा बहुत बढ़िया है बट दैट इज गुड, और आपके लिए ये सारी चीज हो गई। अगर मैं हॉस्टल के फीस की थोड़ी सी बात करूं कि हॉस्टल फीस क्या रहती है, तो लगभग आपको 10,000 पर ईयर का पड़ जाने वाला है। ठीक है, 10,000 के अप्रॉक्सीमेटली हॉस्टल फीस पड़ जाने वाली है। तो हॉस्टल्स के बारे में पता चल गया। यहीं पे एक थोड़ा सा बात करना चाहूंगा मैं हॉस्टल्स के अंदर ही गर्ल्स टू बॉयज रेशियो का। तो गर्ल्स टू बॉयज रेशियो के बारे में बात करूं तो यार आप देख सकते हो लगभग 10 बॉयज के हैं, 3 गर्ल्स के हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा है कि गर्ल्स जो होती हैं वो थोड़ी कम होती हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं हम प्लेसमेंट्स के ऊपर कि यार प्लेसमेंट्स क्या है इस कॉलेज की, क्योंकि यार किसी भी कॉलेज के अंदर जा रहे हैं तो प्लेसमेंट बहुत ज्यादा मैटर करती है। तो प्लेसमेंट की अगर मैं बात करूं तो देखो यहाँ पे इनके कॉलेज से भी मैंने यार जो बच्चा है, जो हमारा पिछले साल बच्चे जा रखे हैं जो हमारे इस कॉलेजेस के अंदर, तो देखो वहां पे ना एक्यूरेट डेटा नहीं मिल पाता है। ठीक है, आपकी अगर हाईएस्ट पैकेज की बात करूं तो समटाइम्स बच्चे से मैंने बात करी तो 28 LPA ऑन कैंपस भी बता रहे हैं बच्चे। ठीक है, तो एक ये भी बताया जा रहा है, एंड एक ये बात भी चल रही है कि 12 LPA अगर आप कहीं वेबसाइट पे देखोगे तो 12 LPA देखने को मिल रहा है। तो हाईएस्ट पैकेज के बारे में आपको सोचना नहीं है कि क्या जाता है, बट आपको एवरेज पैकेज के बारे में जरूर सोचना है, क्योंकि आपके एवरेज सोच के चलनी है कि हाँ अगर मैं जाऊँगा तो इसके आसपास मेरी प्लेसमेंट लगेगी। तो लगभग 5 to 5.5 LPA के अप्रॉक्स इसका एवरेज जाता है, मैं आप सच बता रहा हूँ। अब इसके लिए मैं ये नहीं करूँगा कि बिल्कुल फैक्ट के बोलूँ कि 8 lakh 10 lakh इसके एवरेज प्लेसमेंट है, जो सच्चाई है वो मैंने आप सभी को बता दी। तो दैट्स अ डिसेंट, ठीक है, आपको फीस और एक गवर्नमेंट कॉलेज का टैग, ये सारी चीज अगर मैं देखूं तो डिसेंट आपको मिल जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे कंपनीज अच्छी आती हैं, HCL हो गई, इंफोसिस, TCS, Amazon,
कॉग्निजेंट, ये सारी आती है, बट ये होता है कि हर साल थोड़ा बहुत वेरी करता रहता है, कुछ कंपनीज नहीं आती है, ये इशू रहता है थोड़ा बहुत। अब जाकर के धीरे धीरे बेटर होता जा रहा है ये कॉलेज। ओके, तो प्लेसमेंट्स के मामले में आपको सारी चीजें पता चल गई। स्पोर्ट्स की बात करूं तो आपको साफ दिख रहा है यार, 700 एकड़ का कैंपस है, तो स्पोर्ट्स के मामले में सारी चीजें आपको मिल जाएगी। इतना बड़े कैंपस के अंदर क्या करेंगे, तो इसलिए यार इंथुजियास्टिक होते हैं जो टीचर्स होते हैं, सब होते हैं, वो कहते हैं बच्चों को, मोटिवेट करते हैं कि आप हाँ स्पोर्ट्स के अंदर भी अच्छा खासा करो, ठीक है। और यहीं पे मैं स्पोर्ट्स की बात कर रहा हूँ, तो आप अदर जो दूसरी चीजें अगर थोड़ी बहुत बात करूँ, गर्ल्स रेशियो मैंने बात कर ली, टीचर्स जो है टीचर्स भी अच्छे, आपको पता है गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर आ रहे हैं, तो दे आर वेल क्वालिफाइड, ठीक है, तो उसके लिए कोई इशू नहीं है। टीचर्स आपको अच्छे मिलेंगे, पढ़ाने वाले बढ़िया मिलेंगे, तो टीचर्स भी अच्छे रहने वाले। ओवरऑल मैं अगर इसकी बात करूँ इस कॉलेज की, तो यार दैट्स अ डिसेंट कॉलेज, और यूपी के अंदर जो है यार थर्ड फोर्थ फिफ्थ रैंक पे अप्रॉक्सीमेटली आ जाता है, क्योंकि आपको पता है HBTU है, ट्रिपल MUT है, एंड IIT लखनऊ है, फिर इसके बाद KNIT है, ठीक है। तो यूपी के अंदर अगर आप आ रहे हो, तो अगर ये कॉलेज आपको मिल रहा है तो यू कैन कंसिडर इट, बस इसकी प्लेसमेंट जो है और बेटर करी जा सकती है इस कॉलेज की, ठीक है, और वरना ओवरऑल सारी चीज़ें बढ़िया हैं। अगर आपको कुछ भी डाउट्स है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में इस कॉलेज के बारे में पूछ सकते हो। एंड अगर आपको यार UPTU की पूरी काउंसलिंग हम लोगों से करानी है, तो मैंने बता दिया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में जा रखी है, आप जल्दी से जाकर उसे ज्वाइन कर लो, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर इसी तरीके के वीडियोज और ज़्यादा चाहिए होगी। सो बस यार, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।